देवरिया में पथरदेवा में चल रहे 3 दिवसीय एग्रो क्लाइमेटिक किसान मेले का समापन गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। समापन समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार निरंतर किसानों की आय बढ़ाने हेतु विभिन्न योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रही है। खेती में उपयोग होने वाली खाद बीज समय से उपलब्ध हो रही है। किसानों की उपज का बेहतर मूल्य भी दिलाने का कार्य किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसान मेले में पहुंचकर लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और नौनिहालों का अन्नप्राशन भी कराया। मंत्रियों ने लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में भी आधिकारिक समर्थन देकर इस बार से भी अधिक सीटें जिताने की अपील की। कि स्वर्गीय शाही जी जिन कदमों पर चलकर अपनी पार्टी के विस्तार दिए, उसी कदमों का अनुसरण करके आने वाले कल में हम सब लोग भी उत्तर प्रदेश को भी विकास के रथ पर आगे बढ़ाएं और भारत माता को भी परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने में सफलता पाएं, ऐसा ईश्वर का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिले। 5 वर्षों से 4 वर्षों से हम 600 लाख मेट्रिक टन से ऊपर खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं। इसमें हमारे वैज्ञानिकों ने और जमीन पर हमारे किसान भाइयों ने मेहनत किया है, उसका ये परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की धान की प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़कर के लगभग 7 क्विंटल के करीब बढ़ी है और इसी तरीके से गेहूं की हमारी उत्पादकता 5 क्विंटल के करीब बढ़ी है। राज्य के भीतर हम लोगों ने 12 लाख मेट्रिक टन दलहन से बढ़ा करके 24-25 लाख मेट्रिक टन दलहन का उत्पादन हम आज की तारीख में कर रहे हैं।